नमस्कार इंडिया, आई होप एंड आई नो कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित होंगे एंड लिटरली तुम लोगों को फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित होना चाहिए। गाइस एक सॉरी बोलना चाहूँगा, ऑफकोर्स सॉरी का रीज़न मैं न्यू इस बार फ़ोन है, अब मेरे फ़ोन ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। एंड ये तुम्हें वीडियो देख के लगेगा कि ये रिपीटेड वीडियो है, तो इसका कारण भी मैं नहीं हूँ, फ़ोन है, तो सब बताऊँगा। ओके, उससे पहले ये थंबनेल देखो। हाँ, इस थंबनेल में जो भी चिटकोड दिख रहा है, एनीथिंग चिटकोड, उसके बारे में कौन बकचोदी करेगा? अरे मैं थोड़ी करूँगा, रात को 10 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं थोड़ी करूँगा, पड़ोसी आके करेगा। जस्ट किडिंग गाइस, एक्चुअली मैं चिटकोड बताऊँगा, तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो केम छोरो और सबके स्वागत में हमारे उससे एक ही चैनल पे। तो गाइस यू नो कि यू लव मी एंड आई लव यू, मतलब तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए और मेरा ट्रस्ट तो तुम लोगों पे हमेशा है, तो ये ट्रस्ट मत तोड़ने देना। एंड फाइनली जन्माष्टमी आ रहा है, मुझे इक्वल मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है गाइस, वैसे तो डेट बहुत सारा होता है और आज तक मैं रियल डेट पे कभी नहीं गया, तो शायद जा सकता हूँ या नहीं भी जा सकता, पर गया तो नहीं हूँ अभी तक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए। तो ये वीडियो गाइस, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था ना, मतलब उस वीडियो में जो भी सीन था या जो वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, वो सेम था, ये जो है ये उसी का है, बिकॉज आज मैं वीडियो गेम खेल के प्ले करके रिकॉर्ड कर रहा था, बट मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया, स्टोरेज वगैरह की प्रॉब्लम है या तो फिर कुछ, मुझे ऐसे ही मुझे लग रहा है कि कुछ और प्रॉब्लम है गाइस, जिसके कारण मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, वो गेम्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैंने कम से कम 6-7 बार वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, नहीं हो रहा था, मैंने 1 घंटे बाद की, 1 घंटे पहले, मतलब कुछ भी नहीं हो पाया। तो फाइनली मैं वीडियो स्किप नहीं कर सकता, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो। शाहरुख खान का एक बहुत अच्छे स्पीच है, वैसे तो उनके सारे स्पीच बहुत अच्छा है, वायरल है, बट एक स्पीच ये भी था कि तुम्हें अगर जो पाना है उसके लिए तुम्हें मेहनत करो, चाहे तुम्हें सर्दी हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को छोड़ो यार, तुम्हें जो पाना है, तुम्हें जो चाहा है, तुम्हें जो करना है वो करो, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना, तुम्हें वो करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी बातों को कभी कभी लागू कर लेना चाहिए, एंड यू नो कि मैं कभी कभी नहीं, मैं हमेशा करना चाहता हूँ। तो भाई मेरे पास ये ऑप्शन था कि ये वीडियो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, मैंने इसका वॉइस ओवर कट कर दिया एंड आज मैंने न्यू वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया गाइस, एंड तुम सुन ही सकते हो, तो इस बात के लिए मुझे कोई कमेंट करके गाली नहीं देगा। तो गाइस कि तुमने पिछली वीडियो में भाई साहब उपसी सेम वीडियो था और इसमें भी सेम वीडियो है, सिर्फ वॉइस ओवर चेंज किया। मैं ऐसा कभी नहीं करता गाइस, बट लिटरली मैंने इस बार किया बिकॉज कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली गाइस ऑफकोर्स हमारे स्कूल का डेट 23 था एंड कल डे 24 है, तो डे 23 की बात करते हैं। यू नो कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरा फ्रेंड है एस, उसका तबीयत खराब था, तो वो 22 को भी नहीं आया था, तो मैंने उससे बकचोदी की 22 को स्कूल के आने के बाद, तो उसने मुझे बोला, मैंने उससे पूछा कि तू अब आ रहे हैं 23 यानी आज, तो कह रहा था यार तबीयत तो खराब है, एक्चुअली उसकी आवाज़ से क्लियर पता लग रहा था उसके बंदे की, सॉरी गाइस गाली नहीं दे रहा, मतलब ऑफकोर्स उसकी तबीयत खराब है। तो उसने बोला कि पूछ के बताता हूँ भाई से, तो उसके मम्मी पापा तो हाँ बोल देते, बट उसका भाई आँखों में कत्ल कर देता, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि वो स्कूल नहीं आएगा। मतलब उसने पूछ उस टाइम मना नहीं किया था, मेरे को पहले से था, मैंने भी बोला था कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वैसे भी उस कुत्ते की पता है 104 डिग्री बुखार था, इतनी तेज़ बुखार में वो स्कूल कैसे आ सकते, तो मैंने मना कर दिया कि मत आ स्कूल, ज़रूरी नहीं है स्कूल आना। तो फाइनली आज मैं सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल गया, एंड स्कूल जाने के बाद क्या हुआ कि आज मेरी मम्मी ने आलू पराठा बनाया था मेरे को, मैं ना हमेशा ज़्यादा लेकर जाता हूँ मतलब कोई भी खाना, बट मेरे कुत्ते कमीने जो साले कुत्ते हैं ना फ्रेंड, उनका क्या है ना कि जब भी मैं ज़्यादा खाना लेकर जाऊँगा वो साले कुत्ते नहीं खाएंगे, मुझे अकेले खाना पड़ता था, बट इस वक्त मैं सिर्फ 2 बड़े बड़े आलू पराठा लेकर गया था एंड अचार के साथ। तो क्या हुआ ना गाइस की सुबह जाते ही क्लास में मैंने देखा तो बैठा मैं, तो अनारदाना कह रहा है कि यार भूख लगी है, तो मैंने बोला कि ले मेरा लंच खा ले, तो साला वो लंच खा रहा था मेरा, तो वो खा रहा था तो मेरे को भी भूख लग गया, तो मैंने बोला कि चल हम दोनों मिल के खाते हैं, एंड हमारे बगल में 2 कुत्ते और बैठे हुए थे, ऑफकोर्स मेरे दोस्त, इतनी इज्जत दे रहा हूँ वही बहुत ज़्यादा है, नहीं तो उनके सामने तो उनकी माँ बहन एक कर देता हूँ मैं। तो क्या होता है ना गाइस कि
अब हम दोनों खा रहे तो वो बिना खाए कैसे रह सकते हैं। तो वो काम कर रहा था तो उसको हाथों से खिलाना पड़ा दोनों को। एंड एक था वही टी और एन जिनकी लड़ाई होती रहती है, अभी भी लड़ाई हो रखी है, तो एन दूसरी जगह पर बैठता है। हमारी भी बातचीत बंद हो गई है साले से। एंड बट टी हमारे साथ ही बैठते, तो हमने पूछा तुझे भी ठूसना है, तो कह रहे नहीं। तो फाइनली क्या हुआ ना कि गाइस हम सुबह सुबह क्लास में एंट्री करते ही लंच मेरा फिनिश, अचार रह गया था और सब खत्म कर दिया था। उसके बाद मैं दोबारा खाने जा रहा था टी का लंच, तो मेरे फ्रेंड कह रहे हैं एक्चुअली मैंने बोला कि लंच क्या लाए, तो उसने लंच दिखाया, तो भाई साहब टमाटर की चटनी थी। एंड मुझे टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, वो भी तीखी वाली, ओके वो नहीं मीठी टमाटर की चटनी बना दी, वो सब पसंद नहीं मुझे। और मैं उसकी चटनी तो माशाल्लाह, तो उसकी चटनी मतलब उसकी मम्मी जो चटनी बनाती है ना इतनी तगड़ी बनाती है मस्त। तो वो भी लाया था पराठा, मतलब वो कह रहा था मैं आलू का पराठा लाया हूँ, बट मैंने जब चेक किया तो वो था आया है प्याज का पराठा। तो फाइनली मैंने खाया, मतलब लंच में मैं खोलने वाला था, तो सारे कुत्ते कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई अभी मत खोल, मिनी स्नैक्स में ठूस जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि हम खाने के बाद हम पता नहीं कुछ बातें कर रहे थे, तो मिनी स्नैक्स भी हो गया और हमें पता भी नहीं चला। और हमारी होम साइंस वाली मैम की जगह हमारी इको वाली आ गई। इको वाली को तो चाहिए कि अगर भाई हाँ ऐसा लागू कर दे कि हर टीचर इको वाली को बोलते हैं ना, हाँ मैं अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी पढ़ाऊँगा हर पीरियड लेकर। एक्चुअली उसने होम साइंस का पीरियड ले लिया, अपना भी ले लिया, तो हर रोज़ उसका मैक्सिमम दो पीरियड तो हो ही जाता है। एंड फाइनली उसका बस चले तो गाइस जो भी 8-7 पीरियड होते हैं ना दिन में, हाँ 4-4-8 पीरियड होते हैं, कुछ 8 पीरियड ले लो उसका बस चले तो। बट अच्छा पढ़ाती है, बट क्या पढ़ाती है वो नहीं पता। टीचर अच्छी है, मारती बहुत खतरनाक है, तारीफ ही कर रहा हूँ, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद पता नहीं दो वो फोल वाली है उसकी तबीयत खराब थी, मैंने बताया था कि वो अपसेंट थी इससे पिछले वीडियो में, तो अभी आई थी तो मैम की तबीयत खराब थी, तो थोड़ा लाउड सी लग रही थी, मतलब ऐसे तगड़े में बोल रही थी बट वॉइस से क्लियर पता चल जाता है कि क्या बहन किसकी तबीयत खराब हुई है। तो एक्चुअली उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाया, उसके बाद हम लोग चौधरी करने लगे, फिर लंच खोला। और लंच सबसे पहले टी का लंच खोला, मतलब हमने ना क्या हुआ कि मैंने बीच में बताना भूल चुका था कि हमारा मिनी स्नैक्स खत्म हो गया था, बट इको वाली आकर ना सबको बता रही थी कि अपनी कॉपी पहले इन बच्चों को चेक कराओगे उसके बाद मुझे दोगे चेक करने के लिए। तो उनका नाम बता रही थी कि कौन से बच्चे कौन से टीम में है। उसी टाइम हमने टी का लंच लिया और चटनी निकाला और भाई चटनी के साथ खा गए उसका लंच। आधा 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 पराठा बचा था, मतलब आधा बचा था, तो उसने बोला यार मैंने कुछ खाया नहीं है तो मेरे लिए छोड़ देना, तो हमने उसके लिए छोड़ दिया। फिर फाइनली अब आते हैं लंच उसने खोला, वो खोल के रख दिया, उसने खाया नहीं, हमसे देखा नहीं गया, आलू का पराठा भी नहीं था, मीट वो था प्याज का पराठा, हमने लिया 2 मिनट में चट कर दिया। उसके बाद एक फ्रेंड के पास था तो उसकी चटनी बची हुई थी, तो उसकी पराठे हमने चटनी से खा लिए। उसके बाद फाइनली सबका लंच मां बहन खत्म हो चुका था खा खा कर, फिर बचा अनारदाना का चावल। और भाई मैंने फर्स्ट टाइम चावल खाया था, उसका अच्छा लग रहा है, उसका भी खत्म, मतलब वो कह रहा है सोयाबीन नहीं खाओगे, हमने बोला कि हम तो खाएंगे, मैंने उठाया एक बार में सारा खा लिया मैंने, तो ये बहुत पुख्ता दी हुई थी। तो मैंने सबसे पूछा है पैसे लेकर आए हो ना, बाहर खाएंगे। तो यही हुआ आज की वीडियो में। तो फाइनली गाइस यहाँ तक मैंने बहुत मेहनत से बकचोदी की है, आई नो बकचोदी करने में सबको मजा आता है, तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक कर देना। एंड यू नो कि मैंने कितने पापड़ बेल की वीडियो बनाया, रात को मैं अब ऐसे टहल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई नो कि मेरी वॉइस नीचे भी जाती होगी, पर गाइस मैंने वीडियो को रिक्रिएट किया है, मतलब उसी वीडियो को उसमें न्यू वॉइस ओवर किया। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड कमेंट में जो गाली देना चाहोगे दे सकते हो, आई डोंट केयर, ओके आई लव यू गाइस, टेंशन मत लो। तो फाइनली गाइस मैंने शुरू में तुम्हें थंबनेल लिखा था ना, हाँ उस थंबनेल का अगर चिटकोड चाहिए तो ऑफकोर्स हमारा जो कार है फ्लाई कर रहा है आसमान में, चिंता मत करो गाइस आने वाले फ्यूचर में रियल लाइफ में कार फ्लाई करेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका चिटकोट जरूर लेकर आऊँगा फरीद फरहान मोहित सबसे पूछकर, ओके। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।